पूर्व पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। नटराजन ने राहुल गांधी पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने परियोजनाओं को मंजूरी देने में कांग्रेस उपाध्यक्ष के निर्देश का पालन किया, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने उनकी उपेक्षा, तिरस्कार और अपमान किया। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने पूर्व पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन द्वारा परियोजनाओं के लिए हरित मंजूरी में राहुल गांधी पर हस्तक्षेप करने का आरोप लगाए जाने के बाद यूपीए शासन के दौरान मंजूर और खारिज की गई पर्यावरणीय परियोजनाओं की समीक्षा की मांग की। बीजेपी में किसी तरह के दरार होने की बात से इनकार करते हुए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि आगामी दिल्ली चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ पार्टी विजेता बनकर उभरेगी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उनसे 5 सवाल पूछे जाने की बीजेपी की योजना पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी आड़ में छिपकर उन पर हमला क्यों कर रही है और सार्वजनिक बहस की चुनौती क्यों नहीं स्वीकार कर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने की जोरदार वकालत करते हुए कहा कि उनकी सरकार डिजिटल भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने मोबाइल फोन पर दुनिया ले आने का आह्वान किया। कश्मीर में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने एक बार फिर विवादित बयान देकर सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी ने त्राल में सेना के कर्नल एमएन रॉय की हत्या करने वाले आतंकवादियों को शहीद करार दिया है। कोल इंडिया में सरकार की 10% हिस्सेदारी की बिक्री शुरू हो गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक कुल 31.58 करोड़ शेयरों के लिए मंगाई गई बोली में 45.02 लाख शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुई। पर्थ वनडे में इंग्लैंड ने भारत को 3 विकेट से हरा दिया है। अब इंग्लैंड की भिड़ंत फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से होगी। इसके पहले भारतीय बल्लेबाजों ने अपना गैर जिम्मेदाराना प्रदर्शन इंग्लैंड के खिलाफ त्रिकोणीय वनडे श्रृंखला के सेमीफाइनल में भी जारी रखा और पूरी टीम 200 के साधारण स्कोर पर पवेलियन लौट गई। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म में अभिनेता रणवीर सिंह कैमियो भूमिका निभाते नजर आ सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक मनीष शर्मा शाहरुख खान को लेकर फैन बना रहे हैं। इस फिल्म में शाहरुख की दोहरी भूमिका है। दिल्ली में हुए उबर बलात्कार मामले में पीड़िता ने टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनी के खिलाफ अमेरिका की एक अदालत में वाद दायर कर कहा है कि कंपनी चालकों के बारे में पर्याप्त छानबीन नहीं करती और उसकी लापरवाही और फर्जीवाड़े की वजह से उसे बलात्कार जैसी घटना का सामना करना पड़ता है। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।